अबू का किचन में आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल चिकन पास्ता। अगर आपको चिकन पास्ता की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चिकन पास्ता बनाने के लिए एक कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद आधा कप बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। एक मिनट फ्राई करने के बाद आधा कप टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटर प्यूरी ऐड करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे और इसे ड्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर भून लेने के बाद ये ड्राई हो गया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करके इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। दो मिनट भून लेने के बाद 200 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मसाले के साथ मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। दो मिनट भून लेने के बाद ढककर इसे लो फ्लेम पर चिकन सॉफ्ट हो जाने तक कुक करेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करना है, अगर जरूरत हो तभी 2 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड करके चिकन कुक करें। चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसमें 1 कप बॉईल किए हुए पास्ता ऐड करेंगे। और 3 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। लो फ्लेम पर 2 मिनट कुक करने के बाद 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इंडियन स्टाइल चिकन पास्ता रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको इंडियन स्टाइल चिकन पास्ता की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।